subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 12th English and Astrologers Day. ये न्यू सिलेबस है, इसमें कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़, ग्रामर और लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन का A1 एक्टिविटी है, द टाउन हॉल पार्क वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस, लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। यानी जो टाउन हॉल का प्लेस है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बैठता था, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले सर्जिंग क्राउड, यानी बहुत भीड़ होती थी। अ वराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस लाइक मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, और दूसरे पेशावर लोग भी रहते थे, मैजिशियंस यानी जादू दिखाने वाले, ऑक्शनर्स ऑफ चीप क्लोथ यानी सस्ते माल फरोख्त करने वाले, अब वोसीफेरस वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स, और मूँगफली बेचने वाला भी एक शख्स वहाँ बैठा करता। क्वेश्चन नंबर वन का A1 का सेकंड एक्टिविटी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स। यानी उसका जो हुलिया था तो वो कैसा उसके क्लाइंट्स पर असरअंदाज होता था, तो उसका हुलिया बयान करना है। तो उसका आंसर क्या है, द टर्बन ऑन हिज हेड, यानी उसके सर के ऊपर एक पगड़ी बनी होती थी, द सैक्रेड एश एंड वर्मेलियन ऑन हिज फोरहेड, यानी राख और गेरू है तो उसके पेशानी पर लगा होता था, डार्क विस्कर्स कवरिंग द फेस, और चेहरे पर एक किस्म की गहराई नज़र आती थी, स्पार्कल इन हिज आइज, और आँखों में चमक होती थी। द प्रेजेंस ऑफ द ग्राउंड नट विंटर इज़ बेनिफिशियल टू द एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन। ये A2 नंबर की एक्टिविटी है कि ग्राउंड नट वेंडर जो बाजू में रहता था, जो मूँगफली वाला, उससे उसको क्या फ़ायदा होता था। द वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट गेव हिज वेयर्स फैंसी नेम्स लाइक बॉम्बे आइसक्रीम, डेली आलमंड, राजाज डेलीसीसी एंड सो ऑन। यानी जो मूँगफली वाला था वो क्या करता था, अजीब किस्म के नाम देता था अपने बेचने के लिए। कभी भी कहता था बॉम्बे आइसक्रीम है, डेली आलमंड है, यानी दिल्ली के बादाम है, राजा की डेलीसीसी है। पीपल वर अम्यूज एंड अट्रैक्टेड बाई दिस एंड फ्लॉक टू हिम टू बॉय ग्राउंड नट्स। लोग दौड़ते हुए आते और कुछ ना कुछ उससे मूँगफली खरीद लेते। एज द एस्ट्रोलॉजर वॉज सीटेड राइट नेक्स्ट टू हिम, द ग्राउंड नट वेंडर्स कस्टमर्स डैलिड नियर द एस्ट्रोलॉजर एंड वर प्रोबेबली टेम्पटेड टू कंसल्ट हिम। और बाद में क्या करते थे वो, चूँकि जो ज्योतिषी था नजूमी बाजू में ही बैठा रहता था, उसको भी देखते और बाद में कोशिश करते कि उससे कुछ बातचीत करे। क्वेश्चन नंबर A2 का फिर से एक एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है। द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस, कौन कौन सी टैक्टिक्स थी जो नजूमी इस्तेमाल करता था जीतने के लिए। श्रीड गेस वर्क, यानी वो गेस किया करता था। स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड प्रैक्टिस एट रीडिंग पीपल, यानी इंसानी फितरत को समझता था, उससे तजुर्बा हो गया था लोगों को पढ़ने का। A3 नंबर की एक्टिविटी है, इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस एक्टिविटी है। पिक आउट द लाइन्स डेट टेल यू डैट द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव एनी रियल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी एस्ट्रोलॉजर को कोई रियल नॉलेज नहीं था एस्ट्रोलॉजी का, वो आपको बयान करना है। ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर वेन ही बिगैन लाइफ। शुरू में जब उसने अपनी ज्योतिष विद्या का काम शुरू किया था तो उसको कुछ भी नहीं पता था ज्योतिष के बारे में। ही न्यू नो मोर ऑफ वाट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स दैन ही न्यू वाट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट। ना उसे दूसरों का पता रहता था, ना खुद के बारे में पता था। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर, और वो सितारों से उतना ही नाशानास था जितना कि उसके कस्टमर्स यानी सारिफ थे। इट वॉज ए बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। अक्सर क्या होता था कि आड़ी तिरछी जो रोशनियाँ पड़ती थी या साए पड़ते थे जहाँ वो बैठा करता, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे उस नजूमी यानी एस्ट्रोलॉजर की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू का A2 का वन है फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी फ्रॉम एक्सट्रैक्ट एंड राइट डाउन देम, यानी कि तंजिया जो कलमात है वो चीज़ें हमने यहाँ लिखना है। ही न्यू नो मोर ऑफ वाट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स दैन ही न्यू वाट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट। यानी वो अपने आप को ज्योतिषी तो बताता था लेकिन उसे खुद की ही बात का पता नहीं था। He was as much as a stranger to the stars as were his innocent customer.
सितारों से उतना ही नाबाल था जितना कि उसके जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे वो। ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टॉनिश्ड एवरीवन। वो ऐसी बातें किया करता जिससे लोग तो मुतमईन हो जाते, हैरान भी होते। डैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड शेड गेस वर्क। और ये तमाम चीज़ें तजुर्बे के तौर पर उसके पास आई थी या फिर वो गेस किया करता। ए टू नंबर की कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है। द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स। यू रीजन, 5 मिनट में नजूमी को पता चल जाता था क्या मसला है। द एस्ट्रोलॉजर हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स लाइक मैरिज, मनी एंड द टेंजल ऑफ ह्यूमन टाइज। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड द वे ही परस्यूड थिंग्स एंड दस ही कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स। यानी नजूमी को इंसानी जो मसाइल थे उसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा था, शादी ब्याह, पैसों का मामला या फिर लोगों की आपस में जो बनती नहीं थी उन तमाम बातों के बारे में उसे पता था। फिर वो लोगों की आंखों में देखता, उसे समझता और बाद में गेस करता था। A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस एक्टिविटी है। द एस्ट्रोलॉजर कुड टेल द पर्सन क्लाइंट अबाउट हिज लाइफ, डिस्क्राइब द मेथड ही यूज। यानी वो अपने उस आदमी को उसकी ज़िंदगी के बारे में कह सकता था, तो कैसा कहता था उसका तरीक़ेकार बयान करना है। द एस्ट्रोलॉजर वुड लिसन टू हिज क्लाइंट टॉक फॉर अबाउट 10 मिनट्स। वो क्या करता था, एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, पहले सारी बातें सुन लेता था और बात अपने क्लाइंट से बात ही नहीं करता था। ही वुड देन दस गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम हिम। वो पूरी मालूमात उससे निकाल लेता था एंड देन क्लेवरली पोस्ट क्वेश्चंस व्हिच मेड इट अपीयर दैट ही एक्चुअली न्यू अबाउट द पर्सनस लाइफ। और उसके बाद ऐसे सवालात करता था जिससे लोगों को लगता कि शायद वो उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानता हो। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। इन द स्टोरी द एस्ट्रोलॉजर हैज़ ग्रेट लिसनिंग पावर, लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद पीपल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। यानी सुनने से लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार होते हैं, इस बारे में बयान कीजिए। इसका आंसर है यस, लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद पीपल। यानी सुनने से लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनते हैं। व्हेन वी लिसन वी इंडिकेट टू द स्पीकर दैट वी केयर अबाउट हिम हर। अगर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें दूसरों का ख्याल है। आई एम इंटरेस्टेड इन हिज हर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड जॉयज, और हमें दिलचस्पी है उनके मसाइल के बारे में। वी शोज डैट वी आर रेडी टू हेल्प हिम हर इफ़ नेसेसरी। हम दिखाते हैं कि हम उन्हें मदद करने के लिए तैयार है अगर ज़रूरत हो। वी शेयर हिज हर आइडियाज़, वी ऑल्सो रियलाइज हाउ वी कैन डील विद पीपल सक्सेसफुली बाई लिसनिंग टू देयर व्यूज़। और हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से बेहतरी से लोगों की मसाइल हल कर सकते हैं उनकी बातें सुनकर। क्वेश्चन नंबर 3 का A1 है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर। यानी ये जो बेतरतीब से दिए गए जो सेंटेंसेस है उसे तरतीब में लगाना है। आई विल स्पीक टू यू टुमारो। सेकेंड है, स्टॉप डैट द अदर सेट। थर्ड है, देयर इज़ अ वूमन। फोर्थ है, और विल यू गिव मी 8 अन्नास। तो उसका पहला है ओ स्टॉप डैट द अदर सेट, दूसरा है ओ और विल यू गिव मी 8 अन्नास, तीसरा है आई विल स्पीक टू यू टुमारो, और फोर्थ वाला जो है देयर इज़ अ वूमन। A2 नंबर की एक्टिविटी है। द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन्ड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, डिस्कस द रीज़न बिहाइंड हिज एक्ट। यानी इसका जवाब लिखना है कि एस्ट्रोलॉजर अपना मुंह नहीं खोलता था 10 मिनट तक कि जब तक के सामने वाला पूरी रुदाद ना बयान कर दे। ही वॉज गुड एट रीडिंग पीपल, वो लोगों को समझने में बहुत अच्छा था। ही ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ फ्रॉम दैट टॉक। यानी उनकी बातों से ही उनकी ज़िंदगी के बारे में पता लगा लेता था। ही कुड एनालाइज देयर कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनके किरदार के बारे में वो पता चल जाता था और उनके मसाइल भी समझ लेता था। ही कुड ईजिली फ्रेम हिज स्टेटमेंट्स देयर सेटिस्फैक्शन, और वो ऐसे जुमले बोलता था जिससे लोग मुतमइन हो जाते। A3 नंबर की एक्टिविटी है, इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। द एस्ट्रोलॉजर हैड चेंज हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सोना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी। जब एस्ट्रोलॉजर सिटी में आया था तो उसने अपने पूरा हुलिया बदल दिया, इसका वजह बताना है। द एस्ट्रोलॉजर थॉट ही हैड किल्ड अ मैन आफ्टर अ क्वारल। यानी कि उसे नजूमी को लगा था कि उसने एक इंसान को मार दिया है जब उससे झगड़ा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड डैट ही वुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर दिस क्राइम। वो डरा हुआ था कि शायद उसे अरेस्ट कर लिया जाए या फिर उसे जेल में डाल दिया जाए।
Hence, he to avoid detection, he changed his appearance and his persona when he arrived in the city. तो उसने क्या किया, अपना हुलिया बदल दिया जब वो शहर में आए. पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन का आंसर है, सजेस्ट स्टेप्स टू इरेडिकेट सुपरस्टिशन एंड अदर इल प्रैक्टिसेस फ्रॉम सोसाइटी. यानी जो सुपरस्टिशन है, तोहमात है, उसे दूर कैसे करना है समाज से, इसके बारे में आपको बताना है. इसका आंसर है, टू इरेडिकेट सुपरस्टिशंस एंड अदर इल प्रैक्टिसेस फ्रॉम आवर सोसाइटी द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज एजुकेशन. स्कूल्स एंड कॉलेजेस मस्ट हेल्प दर स्टूडेंट्स टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड थिंक लॉजिकली एंड रैशनली. यानी सबसे पहले हमने स्कूल और कॉलेज में ऐसी तालीम देना है बच्चे जिसमें साइंटिफिक एटीट्यूड यानी साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर पैदा हो और वो लॉजिक से सोचे. सेकेंडली, एज पीपल इन इंडिया टेंड टू लिसन टू देयर रिलीजियस हेड्स, ऑल रिलीजियस हेड्स शुड सेंड आउट क्लियर मैसेजेस टू देयर फॉलोअर्स अबाउट द इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन. यानी जो मजहबी रहनुमा है वो सुपरस्टिशन को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करे. एंड लास्टली, द ओल्डर जनरेशन शुड चेंज देयर ओपिनियन एंड आइडियाज़ एंड गेट रिड ऑफ सिली सुपरस्टिशन बिलीव्स. तो जो हमारे पुरानी नस्ल है उन्हें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और उन ख्यालात को तर्क करना चाहिए. ये पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर है, द एस्ट्रोलॉजर विंस गेट्स द सिंपैथिक क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड, एक्सप्रेस योर ओपिनियन. यानी आखिरकार जो है नजूमी ने हमारा हौसला, हमारे जो सिंपैथी है वो जीत लिया था या फिर तनखीद का निशाना बन रहे. चलिए देखते क्या है. आई थिंक आई सिंपथाइज विद द एस्ट्रोलॉजर, मुझे तो उस नजूमी के साथ में सहानुभूति है, हमदर्दी. ही डिड नॉट ट्राई टू इंटेंशनली किल गुरु नायक, उसने कोई जानबूझकर गुरु नायक को मारने की कोशिश नहीं की. इट हैड हैपन्ड इन द नोट नॉट इट हीट ऑफ द मोमेंट. और ये तो जो मामला है ये गुस्से में हो गया था. ऑफ कोर्स ही शुड नॉट हैव ट्राइड टू रन अवे बट शुड हैव एक्सेप्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज क्राइम. यानी उसने कम से कम भागने की कोशिश नहीं करना था और अपनी जिम्मेदारी कबूल करना था. ही इज़ जेन्युइनली सॉरी फॉर व्हाट हैड हैपन्ड. हिज वर्ड्स, अ ग्रेट लॉर्ड इज़ गॉन फ्रॉम माई मी टूडे. आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स इंडिकेट्स दिस. हेंस आई सिंपथाइज विद द हिम एंड आई एम हैप्पी डैट ही कैन नाउ लिव इन पीस. यानी जब उसने ये बात कहा कि एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतर गया है, मुझे लगा था कि किसी का खून मेरे हाथों हो गया है, तो ये बताता है कि वो उससे अपनी हरकत पर नदामत थी और इसीलिए मुझे उससे हमदर्दी हो रही है. अब वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकता है. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा